यो विश्वात्मा विधिज विषयान् राष्ट्रभोगान् सविष्टान् पश्चाचन्यान् स्वमति विभवान् ज्योतिषाश्रेण सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणान् आत्मसौ नस्तुरीयः अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद के आगम प्रकरण पर विचार करते हुए अभी हम लोग मांडुक कारिका की जो द्वितीय कारिका है द्वितीय कारिका पर रुके हुए हैं। यहाँ पे पहला क्षय मंत्र वगैरह जो कुछ कहा गया उसमें जो छुपा हुआ अर्थ है उसको कारिकाकार जो स्पष्ट करके लिख रहे हैं कि श्लोकेक्षा दक्षिणाक्षे मुखे विश्वम् आकाशे बोल रहे हैं यहाँ पे कि दक्षिणाक्ष को प्राधान्यता दे करके कि यहीं पे बैठ करके जागृत काल में जागृत उपहित व्यष्टि जागृत उपहित चेतन जो है मुख्य रूप से यहीं बैठ के व्यवहार करते हैं जिसको विश्व नाम से कहा जाता है। फिर सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन जिसमें मन की प्राधान्यता होती है वो मन में बैठ करके व्यवहार करते हैं और जो अज्ञान उपहित व्यष्टि चेतन वो जो है हृदय आकाश में जाकर के पूरी किराड़ी के माध्यम से हृदय आकाश में जाकर के सोते हैं श्रुति ऐसा कहती है। इस प्रकार से एक ही तत्व उपाधि के माध्यम से मतलब अपने अपने व्यवहार की भिन्नता के कारण वो क्या होता है अलग अलग नाम से कहा जाता है। अब ऐसा कहते हुए भगवान भाष्यकर यहाँ पे बोल दिए थे कि जागृत काल में बैठ करके आपको मतलब प्राग्नतक अनुभव करना है विश्व ही प्राग्नतक के अनुभव करेंगे। उसका प्रक्रिया दिखाया कि आपने मन से कुछ सोचा देखा फिर आपको बंद करके मन ही मन उसको जो उसके प्रति प्रीति है तो मन ही मन उसके ऊपर सोचते जाइए तो आप अपनी मनोरथ में विचरण कर रहे हैं। फिर मनोरथ में जाते हैं तो दर्शन और स्मरण दोनों जब बंद हो जाते हैं दर्शन और स्मरण दोनों बंद हो जाता है और प्राण मात्र मृत्यु को आश्रय करके जो समय दिखाई पड़ते हैं चेतन तत्व तो ये आपका प्राग्न स्थिति है प्राण मृत्यु। तो वहाँ पे प्राण को अव्यक्त शब्द के द्वारा कहा गया क्योंकि वहाँ पे देश काल और विशेष के अभाव है। तो पूर्ववादी बोलते हैं ऐसा कैसे बोल रहे हैं प्राण अव्यक्त मतलब होता है नाम रूप से अभिव्यक्त दिखाई पड़ता है अव्यक्त मतलब जो नहीं है बोलते हैं कि एक इस अभिप्राय से हमने अव्यक्त शब्द को प्रयोग नहीं किया अथवा श्रुति भी ऐसा नहीं कहती है क्योंकि अव्यक्त शब्द का अर्थ होता है जिसमें देश काल की स्पष्ट से समझ में नहीं आता वो अव्यक्त शब्द है। कल देखिए इसको लेकर के हमने यहाँ तक पढ़ लिए थे पेज 33 ठीक है। सुषुप्ति ही प्राण और नाम रूपाभ्याम व्याकृत है। सुषुप्ति अवस्था में प्राण नाम और रूप के माध्यम से व्याकृत है नाम भी है क्रिया भी है उनका एक है नुक्त संगत है। तद व्यापार पार्श्वस्थ अतिस्पष्ट दृष्टता क्योंकि प्राण की व्यापार को बगल में रहने वाले व्यक्ति तो बहुत स्पष्ट करके देखते हैं कभी कभी इतना देखते हैं कि बगल वाले को परेशानी भी हो जाती है खर्राटे जब लेते हैं प्राण खां खां करेंगे तब क्या हो जाएगा बगल वाले परेशान भी हो जाएगा स्पष्ट उपलब्ध होता है प्राण का वहाँ पे पार्श्वस्थ अतिस्पष्ट दृष्टता नहीं दिया किंच सब अवस्थाएं भागादिनी करणानी प्राणात्मकानी भवन्ति। अब जिसके अंदर जाके जब कोई वस्तु कुछ वस्तु रह जाता है वो तो कोई वस्तु होगा इसलिए जिसके अंदर जाकर के भागादिकरण सब स्थिर हो जाते हैं तो वो तो कोई व्यक्तित्व तो वस्तु होगा इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ का अव्यक्तित्व अवस्था है। ते एतस्यैव सर्वे रूपम अभवन ये सारे इंद्रियां जो सब प्राण रूप प्राण के साथ एक होकर के छिपक गए प्राण रूप हो गए थे श्रुते है ना। अत
अतोपि इस कारण से भी प्राणस्य व्याकृतत्वं युक्तं इति प्राण व्याकृत तत्व है, अव्याकृत कहना युक्ति संगत नहीं है, इस प्रकार से पूर्ववादि प्राप्त हो रहा है। अभी और भी है, एक नंबर टिप्पणी मत करण लय अधिकरणत्व, संपूर्ण इंद्रियों की लय का अधिकरण होने के कारण प्राण कोई व्यक्त वस्तु है, अव्यक्त वस्तु नहीं हो सकता है, ये पूर्ववादि कहना चाहिए। आगे भाष्य में और देखिए, उक्त न्यायेन प्राणस्य अव्यक्तत्व अयोगा अव्यक्तेन प्राणात्मना सुषुप्तस्य अवस्थानम् अयुक्तमिति निगमयति। उक्त युक्ति मतलब क्या है, प्राण का व्यापार करते हुए दिखाई पड़ता है, उसका नाम दिखाई पड़ता है, नाम रूप उसका दिखाई पड़ता है। दूसरी बात क्या है, वो कई इंद्रियों का कई वस्तुओं का आश्रय स्थल भी होता है, इसलिए वो अव्यक्त तो नहीं हो सकता है। इस युक्ति के द्वारा उक्त न्यायेन जो युक्ति ऊपर दिखाया गया, इस युक्ति के द्वारा और सुश्रुति ने भी ऐसा ही कहा, इस उसके बल पे प्राणस्य प्राण का अव्यक्त तत्व, प्राण अव्यक्त तत्व रूप धर्म युक्त है, और जो वो पहना युक्ति संगत नहीं होने के कारण अव्यक्तेन प्राणात्मना सुषुप्तस्य अवस्थान, अव्यक्त प्राण रूप धारण करके सुषुप्त होकर तो चैतन्य रहता है, ये कहना युक्ति संगत नहीं है। पूर्व पक्ष कहना, बीच में श्रुति आई है, ये पूर्व पक्ष अपने पक्ष में, हां पूर्व पक्ष अपने पक्ष में श्रुति दे रहे, पूर्व पक्ष अपने पक्ष में श्रुति दे रहे कि प्राण के आश्रय में सारे इंद्रियों के रहते हैं, तो जब प्राण के आश्रय में सारा इंद्रियों आके रहते हैं तो वहां पे प्राण अव्यक्त तो कैसे हो, ठीक है ना, ऊपर प्राण अव्यक्त तो कैसे होगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि अतो अपि प्राणस्य अव्यक्तत्वं अयुक्तम्। इसलिए उक्त न्यायेन प्राणस्य अव्यक्तत्वं अयोगात् अव्यक्तेन प्राणात्मना सुषुप्तस्य अव्यक्तो प्राण रूप होकर सुषुप्त में रहता है जो चेतन, उसका अवस्थान अयुक्तम्, ये कहना है उसका विद्यमान कहना युक्ति संगत नहीं है, इसको मन में रखते हुए अपूर्ववादी अपने को संघर्ष करते हैं, कथम अव्यक्तता, वहाँ पर प्राण में अव्यक्तता कैसे आया, वो तो व्यक्त रूप में दिखाई पड़ते हैं। अब सिद्धांत उत्तर देंगे, एक लक्षणत्वात् अव्यक्त प्राणयोर एकत्व उपपत्ति इति उत्तर महुत्तर क्या दे रहा है कि अव्यक्त का जो लक्षण है इस समय प्राण का भी वही लक्षण है। लक्षण अव्यक्त लक्षण मतलब क्या होता है, जिस समय देश काल वस्तु की ज्ञान ना हो, देश काल वस्तु की ज्ञान ना हो किसी को भी, यदि कोई उसको हम बोलेंगे अव्यक्त है, क्यों अव्यक्त है, क्योंकि उसमें से जो जिस प्रकार मृत्तिका में घरा है, मृत्तिका में घरा विद्यमान है परंतु उसमें व्यक्त अवस्था में नहीं है, अव्यक्त अवस्था में, तो इस प्रकार जो घरा नाम घरा रूप घरा देश घरा काल उस देश का जो ये जो जहाँ जिस अवस्था में वो अभिव्यक्त नहीं होता, अनभिव्यक्त अवस्था, ये उसका अव्यक्त अवस्था है, बस इतना ही कहना चाहते हैं। ये अव्यक्त और प्राण ये दोनों का लक्षण एक ही है, यहाँ पे प्राण भी उस समय जो है देश काल की तरह अपने आप को नहीं समझ पाता, प्राण वृत्ति का की तरह है, यहाँ पे जिसके अंदर सब इंद्रियां भी रहते हैं इस समय उसको समझने के लिए अब बोलेंगे आपको उसका, इसके लिए आप ही खंडन करेंगे अभी इसको, अभी इतना समझने के लिए। एक लक्षण दो वस्तु का लक्षण यदि एक ही है तो दोनों को एक ही कहा जाता है, दो व्यक्ति यहाँ पे नाम अलग अलग है परंतु दोनों सफेद कपड़े में है और एक जगह से आता है पुस्तक लेके आते हैं तब बोलते हैं ब्रह्मचारी अध्ययन के लिए आते हैं, तो एक ही लक्षण के तरह जब लक्षित होते हैं तो एक वस्तु होते हैं, तो इसलिए हमें बोलते हैं एक लक्षणत्व एक लक्षण वाला होने के कारण कौन दोनों एक अव्यक्त और प्राणयोग अव्यक्त और प्राण दोनों में लक्षण अभी इस समय एक ही है, सुषुप्ति अवस्था में प्राण की लक्षण और प्रलय काल में जो अव्यक्त के लक्षण वो एक ही है लक्षण, मतलब वहाँ पर देश काल वस्तु का अभिव्यक्ति नहीं हो रहा है, इसलिए बोलते हैं एक, इसीलिए दोनों एक ही है, एक है ना युक्ति संगत है, इति उत्तर हम इसको मन में रखते उत्तर देते हैं। नहीं शब दोष कहीं पे शंका हिस्सा में आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं, आप वहाँ पे रुकिए नहीं, आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, आप पढ़ते देखिए क्या शंका हुई थी क्या उत्तर दिया, तो समझ में आ जाएगा। अव्यक्त का लक्षण बोल रहे हैं अव्यक्तम ही देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य, ये होगा अव्यक्त का लक्षण, समझ में आया। अब वहाँ पे एक लक्षण बोला लक्षण क्या है तो अव्यक्त का बोलते अव्यक्तम ही अव्यक्त उसको कहते हैं अव्यक्तम ही देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य, ये हो गया अव्यक्त का लक्षण, जो देश काल वस्तु परिच्छेद न तो शून्य। सुषुप्ति अवस्था में प्राण किस देश में पड़ा है
सुषुप्ति अवस्था में प्राण कितना समय क्या टाइम हुआ उसको पूछेंगे, और सुषुप्ति अवस्था में प्राण की जो विशेष वृत्तियां वो आपको अलग करके नहीं समझ में आएगा। उस व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, बगल वाले को देखे कोई बात नहीं, दूसरे को समझ में, अपने आप को समझ में नहीं आता। इसीलिए उस समय जब हमारा अभिमान होता है कि मेरा प्राण चलता है, उस समय व्यक्त अवस्था में है, जब अभिमान नहीं है तो अव्यक्त अवस्था। इसीलिए आप बोलते हैं कि अव्यक्त देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम प्राणो अपि सुषुप्त द्रष्टुर तथा। देखिए अब बड़े सुंदर शब्द प्रयोग, प्राण जैसा कि अव्यक्त मतलब अव्यक्त लक्षण क्या होगा, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य में होगा अव्यक्त लक्षण, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, प्राण भी प्राणो अपि सुषुप्त द्रष्टुर, सुषुप्त को देखने वाला जो प्राज्ञ है, सुषुप्त अभिमानी चेतन तथा वो उसका उस समय हो जाता है। प्राणो अपि प्राण भी सुषुप्त द्रष्टु, सुषुप्ति को देखने वाला, सुषुप्ति संबंधित, सुषुप्ति संबंधित सुषुप्त द्रष्टु तथा सुषुप्ति संबंधित जो प्राण का व्यापार है वो भी वैसे ही है, क्योंकि उसका अभिमान छूट जाता है उस समय। अभिप्राय तो यही है, अभिमान छूट जाते, अभिमान करने वाला करण जो है सो गया तो अभिमान कौन करेगा। प्राण प्राण को प्राग्मो, प्राण और प्राग्मो के लक्षण, एक प्राग्मो मतलब हो गया व्यष्टि अभिमानी चेतन, तो प्राग्मो का नाम है, और आपका ईश्वर अव्यक्त देश का नाम ईश्वर, वो समष्टि अव्यक्त चेतन। आप बोलते हैं प्राण को आपने यहाँ पे अव्यक्त तो क्यों कहा, तो अव्यक्त का लक्षण दिया कि जहाँ पे देश काल वस्तु परिच्छेद दायित्व। अब जिस समय प्राण सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं, सुषुप्ति अभिमानी चेतन, सुषुप्त अभिमानी चेतन उस समय प्राण का देश काल, सुषुप्त अभिमानी चेतन मतलब प्राज्ञ, प्राज्ञ को उस समय प्राण किस देश में किस काल में किस अवस्था में कुछ पता नहीं रहता, नहीं रहता। इसीलिए आप बोलते हैं, देखो आगे पूरा पर देखिए, प्राणो अपि सुषुप्त द्रष्टु तथा सुषुप्त में जो सुषुप्त संबंधित जो दृष्टा है, हाँ प्राग्ञ, उसके लिए प्राण भी वैसे ही है। कैसे है कि देश काल वस्तु परिचय शून्य, क्यों आपने आप समझा रहे, अपने समझा रहे, नहीं सुषुप्त दृष्टिया तत्कालीनस्य प्राणस्य देशादि परिच्छेदो अवगम्यते, ठीक है ना, क्योंकि सुषुप्त दृष्टा सुषुप्ति के दृष्टि से, एक जागृत में मत सोचिए इसको, सुषुप्ति के दृष्टि से, सुषुप्ति में जब हम जाते हैं उस समय जब हम जाते हैं सुषुप्त दृष्टिया, सुषुप्त दृष्टि से तत्कालीनस्य प्राणस्य, सुषुप्ति अवस्था में जो प्राण चलते हैं उस समय प्राण जो है देशादि परिच्छेद न अवगम्यते, लेकिन न है न अवगम्यते, यहाँ पे जो न अवगम्यते, ठीक है, समझ में है। सुषुप्त दृष्टा तत्कालीनस्य सुषुप्ति की दृष्टि से उस सुषुप्ति कालीन जो प्राण है, सुषुप्ति कालीन प्राण में उस परिच्छिन्न चेतन का अभिमान नहीं रहने के कारण देश आदि परिच्छिन्न, देश परिच्छिन्न काल, मैं किस देश में पढ़ के प्राणन क्रिया कर रहा हूँ, किस काल में कर रहा हूँ, ये कुछ भी पता नहीं रहता सुषुप्त अभिमानी चेतन को। मतलब होता है देश आदि परिच्छिन्न न अवगम्यते तथा इसके फलस्वरूप लक्षण अविशेषा, अव्यक्त का लक्षण और प्राण के लक्षण दोनों एक ही हो जाने के कारण लक्षण अविशेष का लक्षण है कि देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यतम सुषुप्तम अव्यक्तम, ये अलग बोलेंगे, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यतम अव्यक्तम, ये परिभाषा अव्यक्त, ठीक है ना। तथा च लक्षण अविशेषा अव्यक्त प्राणयोर एकत्वम अविरुद्धम, लक्षण एक होने के कारण अव्यक्त और प्राण दोनों एक है, एक है ना, तो युक्तिहीनता नहीं है। तथा च लक्षण अविशेष लक्षण सामान्य कारण अव्यक्त प्राणयोर अव्यक्त प्राणी दोनों का एकत्वम, उसमें जो एकत्व कहा गया है अविरुद्धम, इसमें कोई विरुद्ध कथन नहीं है, इति अर्थ विरोध नहीं है, इसका भी प्रकरण वो छोड़ने वाला नहीं है पूर्ववादी, वो छोड़ने वाला नहीं है। हम बिल्कुल देखते हैं क्या बोलते हैं, तस्य अयम प्राण मम अयम इति देश परिच्छेद प्रतिभाना एक लक्षणत्व अभावात्। अब बताओ क्या बोलते हैं, तस्य अयम प्राण, उस व्यक्ति का ये प्राण चल रहा है, बगल वाले उस व्यक्ति का ये प्राण चल रहा है, मम अयम प्राण, ये मेरा प्राण है,
कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है उसको तो अशुद्ध कहा। यही में तो गलती होता है। इस गलती को सुधारने के लिए हमारी गलती हमको दिखाई दे रहा, प्राण चल रहा, ये मेरा प्राण है, उसका प्राण है, ऐसा करके हम बोलते हैं। आप कैसे बोलते हो कि देश परिच्छिन्नता नहीं है? देश परिच्छिन्नता तो है, वो उसका प्राण है, ये मेरा प्राण है। तब वो तो किसको, आप उत्तर देखो तो किसका अनुभव में आ रहा है, सोए हुए का कि जगे हुए का? सोए हुए का नहीं है, जगे हुए का दूसरे का है, जग करके होता है। इसी सुषुप्ति अवस्था को लेकर हम बोलते हैं। तो तस्य अयम प्राण मम अयम इति देश परिच्छेद प्रतिभाना, ठीक है ना? क्या दिखाई पड़ता है? प्राण की देश परिच्छिन्नता है, उस देश में है प्राण, इस देश में भी प्राण, देश परिच्छिन्नता का। तस्य अयम प्राण, उस व्यक्ति का यह प्राण चल रहा है, मम अयम प्राण, ऐसा करके समझते हैं मेरा प्राण अलग, उनके पर देश परिच्छिन्नता हो गई, अलग उस देश में, मैं इस देश में, वस्तु परिच्छिन्नता भी हो गई, हो सकता है काल रहे वस्तु उस पिंडों में, इस पिंड में। इसलिए बोलता है कि इति देश परिच्छेद प्रतिभान, वहाँ पे देश परिच्छेद का प्रतिभान होने के कारण एक लक्षणत्व अभाव। इसलिए जो आपने कहा कि जो अव्यकृत और प्राण का लक्षण यहाँ पे आके एक हो जाता है, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यत्व, ये घटते ही नहीं है। वहाँ पे तो देश पर वस्तु परिच्छेद तो दिखाई पड़ रहे, पूर्ववादी बोल रहे बिल्कुल सही बोल रहे, अभाव न प्राणस्य अव्यकृतत्वम्। इसलिए प्राण में अव्यकृत का लक्षण नहीं करता, प्राण में अव्यकृत धर्म नहीं करता। न प्राणस्य अव्यकृतत्वम् इति आशंका आह, ऐसा भी शंका उठे तब कहते भाष्य बोलते यद्यपि अभाष्य में देंगे प्राण अभिमान सति व्यकृतता एव प्राणस्य। यही पर भाष्य का देखिए, पूर्ववादी को युक्ति को भी जितना पुष्ट कर रहे हैं, अपने सिद्धांत को उतना ही पक्का कर रहे हैं। जिस समय भी अभिमान करते हो, अभिमान से परिच्छिन्नता है, निराभिमान में परिच्छिन्नता नहीं। ये समझ में आता है ना? जब मैं शरीर में अभिमान करता हूँ तब मैं परिच्छिन्न हो गया, जब अभिमान नहीं करता स्वरूप। इस प्रकार प्राण का भी ऐसे यह बोलते हैं यद्यपि प्राण अभिमान सति, जब प्राण मेरा प्राण चल रहा है, मैं यहाँ पे देखो प्राणायाम करता हूँ, इस पर अभिमान करोगे व्यकृतता एवं प्राण से, प्राण में अव्यकृतता निश्चित ही बैठा, उसमें विरोध नहीं करते, उसमें सबके विरोध नहीं है। तथापि पिंड परिच्छिन्न विशेष अभिमान निरोध है ना, पिंड के द्वारा परिच्छिन्न जो विशेष अभिमान, ये पिंड में प्राण चल रहा हो, ये पिंड में जो अभिमान करने वाला होता है, पिंड परिच्छिन्न विशेष अभिमान निरोध प्राणी भवति, जिस समय प्राण में निरोध हो जाता है तब अव्यकृत एवं प्राण, उस समय प्राण अव्यकृत, क्योंकि सुषुप्ति समय में आपका पिंड परिच्छिन्न अभिमान नहीं रहता, सुषुप्ति समय में पिंड परिच्छिन्न अभिमान नहीं रहता। इसीलिए हमें बोलते हैं पिंड परिच्छिन्न विशेष अभिमान, पिंड की परिच्छिन्नता से जो विशेष अभिमान हम करते हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भिन्नता हूँ, ये जो होता है वो प्राणी भवति, उस समय तो होता है अव्यक्त, परंतु वो ये तथापि न तथापि पिंड परिच्छिन्न विशेष अभिमान, अब जब निरोध हो गया तो अभिमान निरोध मतलब बंद नहीं है, तब क्या हो जाएगा प्राण ही भवति, प्राण में जब आप निरोध कर देते हो तब अव्यकृत प्राण, उस समय प्राण क्या होता है अव्यकृति हो जाता है। सुषुप्ति परिच्छिन्न अभिमान वता, सुषुप्ति सुषुप्ति काल में यहाँ पे एक तरफ लेंगे अव्यकृत प्राण सुषुप्ते, यहाँ पे कॉमा लगते हैं, तथापि पहले यद्यपि प्राण अभिमान सति व्यकृतता एव प्राणस्य, पहले कॉमा, तथापि पिंड परिच्छिन्न विशेष अभिमान निरोध प्राणे भवति, दूसरा कॉमा, अव्यकृत एव प्राण सुषुप्ते परिच्छिन्न अभिमान वताम, जो जागृत अवस्था में अपने को परिच्छिन्न अभिमान करने वाले व्यक्ति का अभी प्राण सुषुप्ति में आकर के क्या होता है अव्यकृत का लक्षण को प्राप्त करते हैं। परिच्छिन्न अभिमान वता, परिच्छिन्न में अभिमान करने वाले अज्ञानी जीव का प्राण भी सुषुप्ति काल में जब परिच्छिन्न रहित हो जाते हैं तो वह अव्यकृत का लक्षण जैसे हो जाता है। प्राग्म तो प्राग्म का पे कोई भी नाम, आपके जो प्राग्म नाम आप दे रहे हैं वो उपाधि के धर्म के लिए आप उस प्राग्म मतलब एक चेतन तत्व का बोल रहे हैं। आप एक इस जगह पे आप कंसेप्ट क्लियर करिए, जागृत अभिमानी चेतन को विश्व बोला जा रहा है और मन अभिमानी चेतन को आप तेजस बोल रहे हैं, इसी प्रकार अज्ञान अभिमानी चेतन को आप प्राग्ञ बोल रहे हैं, ठीक है ना? प्राग को आप क्या हो गया, अब अभिमान रह गया, चले गया अभिमान,
अभिमान निरोध हो गया आपका, तो आपका आपका उस समय आपका प्राग्ञ नाम भी नहीं बोल सकते हैं, प्राग्ञ कहाँ रहेगा? सुषुप्ति में उस समय भी अभिमान आपका नहीं रहता, उठ करके आप बोलते हैं, अभिमान तो बोध नहीं रहता। हाँ, इतना इसीलिए वहाँ पे आप व्यक्त करते तो साथ उसका लक्षण एक हो जाता है, इतना ही मात्र इस समय बोल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि प्राणी अव्यकृतता एवं प्राण सुषुप्ते, पर जो जो जागृत अवस्था में परिच्छिन्न अभिमान करते हैं व्यक्ति अज्ञानी, उसका भी प्राण क्या होता है? सुषुप्ति अवस्था में अव्यकृत अवस्था को प्राप्त करते हैं। अच्छा, इस प्राण की इस अव्यकृत अवस्था को लेकर के उसका उपहिच्छिन्न को हम प्राज्ञ बोलते हैं। प्राण की इस अव्यक्तित्व अवस्था को लेकर के उसका उपहित चेतन को हम प्राज्ञ बनेंगे, फिर वो प्रज्ञान घन हो गया मान। तो समस्त वासनाओं की समस्त क्रिया की बीज, सृष्टि की बीज हमें विद्यमान है, इसलिए उस चेतन को हम इस नाम से कहते हैं, उस चेतन को। अभी आगे और बोलेंगे, देखिए कि यहाँ तक हो गया भाष्य अभिमान बता। आप टीका में आ जाइए, परिच्छिन्न अभिमान बता मध्य है ना, जो परिच्छिन्न बोलते कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, परिच्छिन्न में अभिमान करने वालों के बीच में प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति मम अयमिति प्राण अभिमान शब्द, ये मेरा प्राण है वो उसका प्राण है, इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति मम अयमिति प्राण अभिमान शब्द, ये मेरा प्राण, इस प्रकार अभिमान करने पर भी प्राण उस समय व्यकृत अवस्था में दिखाई पड़ता है, इस विषय में हमारे ज्यादा आपका विरोध नहीं, हम भी मानते हैं ये अविरोधी भाग है, एक अविरोधी भाग है, और इसी परंतु पारमार्थिक ऐसा नहीं है, कभी प्राण अव्यकृत अवस्था में भी आ जाता है। इसलिए बोलते हैं परिच्छिन्न अभिमान बता मध्ये प्रत्येकम, प्रत्येक व्यक्ति मम अयमिति प्राण अभिमान सति, प्राणस्य यद्यपि अव्यकृतता एव भवति तथापि, यद्यपि व्याकृतता एव भवति, प्राण व्याकृत अवस्था में रहकर जब अभिमान करते हैं, जब हम अभिमान करते हैं तो प्राण व्याकृत अवस्था मानते हैं, तथापि क्षमा करते हैं, तथापि सुषुप्ति अवस्थायां, सुषुप्ति अवस्था में पिंडेन परिच्छिन्न, पिंड के तरह परिच्छिन्नित हो गया जो विशेष दिखाई पड़ता है, तद विषय वहाँ पे मम इति अभिमान तस्य निरोध, उस समय जो वो सुषुप्ति अवस्था में प्राण तो आपको दिखाई दे दूसरे को, वो जो सोया हुआ व्यक्ति उसको मम है मेरा प्राण है, ये अभिमान चला जाता है। इसलिए हमें बोला परिच्छिन्न अभिमान, मतलब जागृत काल में जो अभिमान कर रहा था उस समय वो अभिमान नहीं करता है, इसीलिए हमें बोलते हैं तथापि सुषुप्ति अवस्थायाम, सुषुप्ति अवस्था में पिंडेन परिच्छिन्न, पिंड का तरह परिच्छिन्न दिखाई पड़े शरीर को तरह जो विशेष दिखाई पड़ता है, पिंडों के तरह परिच्छिन्न जो विशेष दिखाई पड़ता है दूसरे को दिखाई पड़ता है, इसको नहीं दिखाई पड़ता है व्यक्ति को, तद विषय मम, ये मेरा विषय है, जो विशेष आपको दिखाई पड़ता है सुषुप्ति अवस्था में पिंडों में जो विशेषता आपको दिखाई पड़ता है ये मेरा है, इस प्रकार के अभिमान सुषुप्ति अवस्था में उस जीव का नहीं होता। इसलिए बोलता है तद विषय मम इति अभिमान तस्य निरोधा, उस व्यक्ति का वो अभिमान उस समय निरोध हो जाता है, ठीक है ना, तस्मिन, इसलिए निरोधा तस्मिन भवति, मतलब सुषुप्ति अवस्था में निरोध हो जाता है, इति इसलिए निरोध तस्मिन भवति, तस्मिन मतलब सुषुप्ति काल सुषुप्ति अवस्था में वहाँ पे क्या होता है, वो अभिमान का निरोध हो जाता है, प्राण का व्यापार निरोध हो गया, ये नहीं बोल रहा है तब तो राम नाम सत्य हो जाएगा, केवल उसका अभिमान चला जाना, अभिमान चला जाने के कारण क्या होता है, यही ये जो जागृत में बैठ करके सुषुप्ति की आप अनुभव क्यों इतना शास्त्र को डर है कि जितना जिस चीज जगह पे आपने अभिमान कर रखा, जैसे सुषुप्ति में आपका प्राण चलते हुए भी आपका अभिमान नहीं रहता है, ठीक जागृत में बैठ करके भी ये अभिमान चला जाए, अब देखो प्राण नहीं रहते अभिमान नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, जागृत में भी मूर्ता जैसा हो जाएगा, मतलब किसी भी प्रकार की विकार मन में नहीं होते, ये जीवन मुक्ति की स्थिति है। इसीलिए यहाँ पे देखिए कितना सुंदर ये इतना डिटेल इसको बोल रहे हैं, अभिप्राय क्या है सुषुप्ति को लेकर के, कि यदि आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस अवस्था में आपको जीते जी इस अवस्था में आपको पहुँचना है, हर प्रकार के जो अभिमान है वो अभिमान से नहीं हो जाना, सुषुप्ति अवस्था में वो है पिंडों में जो भी विशेषता है दूसरे को दिखाई पड़ता है, मतलब मेरा कुछ अभिमान नहीं है, अभिमान चला जाए, हाँ अंतिम अभिमान तक भी चला जाए, ये जागृत में आना है आपको,
तो आप क्या हो जाएंगे, आप जो है वो जागृत काल में सुषुप्ति के आनंद ले पाएंगे, मतलब यही जीवन मुक्ति के आनंद, ये जीवन मुक्ति का आनंद। इसलिए बोलते हैं भक्ति प्राण, अब पूरा पंक्ति को देखिए, परिच्छिन्न अभिमान भक्ता मध्य प्रत्येक मम और अयम इति प्राण अभिमान सति प्राणस्य यद्यपि व्यक्तता एव भवति कम तथापि सुषुप्ति अवस्थाया पिंडेन परिच्छिन्न जो विशेष पिंड के द्वारा परिच्छिन्न जो विषय का जागृत दिखाई दे रहा है सुषुप्ति अवस्था में भी है, तद विशेष विषय मम वो मेरा विषय है ये अभिमान नहीं होता, तद विषय मम इति अभिमान तस्य निरोध तस्मिन् भवति, वो ये मेरा विषय है इसका निरोध उस सुषुप्ति काल में हो जाता है। इति इसलिए प्राण व्यक्त अव्यक्त एव इति योजना, इसलिए प्राण अव्यक्त है इस प्रकार से यहाँ पे समझना चाहिए। तो आप मतलब किस कहाँ तक के अभिमान आपको छोड़ देना है, बाहरी वस्तु जो इतना है अगल बगल में सारा पर है उसका तो अभिमान जाए, ये जो शरीर है स्थूल शरीर से अभिमान भी गया, बुद्ध आप जागृत अवस्था में मैं बुद्ध मैं सन्यासी हूँ मैं बुद्धिमान मैं वेदांती हूँ ये सारा अभिमान भी जाए, अंतिम में जो प्राण चल रहा है जीते जी प्राण चले परंतु कभी भी ये अभिमान ना हो ये प्राण चल रहा है मैं ये मुर्दा जैसा हो जाए, मुक्ति में ऑटोमेटिक होता है। हाँ यहाँ पे तभी तो जागृत में मुक्ति का अनुभूति होगी, तभी तो जाकर मुक्ति का अनुभूति होगी, मुझे यहाँ पे नहीं आता अहिर निर्लव निर्जाता बल्मि के प्रत्यस्त सहिता चेते, उसी प्रकार एक मतलब सर्प अपना कैचुल को छोड़ करके उसके ऊपर छोड़े तक बगल में सोता रहता है, इसी प्रकार इस कैचुल के साथ तादात्म का छोड़ करके प्राण वायु नहीं तस्त चल न मानो अपनी, इस प्रकार वहाँ पे जो कैचुली पड़ा हुआ है सर्प का वो बाहरी वायु से थोड़ा इधर उधर हिलने पर भी वो जानता है कि मैं नहीं हूँ, इसी प्रकार इस शरीर में प्राण वायु के द्वारा थोड़ा बहुत हिलने पर भी मैं उससे सबको चल रहा हूँ, स्थिति प्रारब्ध की प्राण वायु से वो थोड़ा बहुत हिल रहा है कोई बात नहीं हिलने दूसरे किस अवस्था में आकर के, क्योंकि प्रतिज्ञा किया भगवान भाष्यकार की मांडव का यह दिखा रहा है कि आपको जागृत में सुषुप्ति का अभिमान मतलब अनुभव हो जाए, पहले भाष्यकार की प्रतिज्ञा भाष्य लिखने पहले इस लोक की मांडव कार्य का इसलिए लिखा कि जागृत में आपको सुषुप्ति का अनुभूति हो जाए, तो ये चीज यहाँ तक आना है आपको। प्रतिबुद्धि दृष्टा विशेष अभिमान विषय तेन व्यक्तित्व अपि सुषुप्त दृष्टा तत् उपसंहारा अव्यक्तित्व प्राणस्य अविरुद्धमिति भाव आनंद गिरी देखिए उपसंहार में फिर दोबारा बहुत स्पष्ट करें प्रतिबुद्ध दृष्टा मतलब जिस समय आप जगे हुए हैं जिस समय आप अभिमानी चेतन है उस दृष्टि से अभिमान कर उस दृष्टि से विशेष अभिमान विषय विशेष अभिमान का विषय होने के कारण व्यक्तित्व अपि उस समय व्यक्तित्व प्राण दिखाई देने पर भी सुषुप्त दृष्टा इस समय आपका सारा अभिमान चला जाता है सारे में सुषुप्त दृष्टि मतलब अभिमान रहित जब आपने तब उपसंहारा वो जो विशेष दिखाई पड़ रहा था वो विशेष उपसंहार हो जाता है। सुषुप्त दृष्टि और सुषुप्त दृष्टि में क्या अंतर होता है? सुषुप्ति संबंधित एक तद्धित हां तद्धित होता है सुषुप्त जब अनप्रत्यय हुआ यह केवल सुषुप्त अर्थ क्या होगा दोनों सुषुप्ति संबंधित जो दृष्टि था अर्थ में कुछ भिन्नता नहीं है कभी कभी शास्त्र में अनप्रत्यय होते हैं सौषुप्त बोला मतलब सुषुप्त से संबंध रखने वाला जो व्यापार हाँ सुषुप्त में सुषुप्त में अभिमान संबंधित जो चेतन वहाँ पे जो व्यापार जो अभिमान उसी के बोलते सुषुप्त से संबंध जो अभिमान अभिमान नहीं इसी यहाँ पे बोलते हैं सुषुप्त दृष्टा यहाँ पे सुषुप्ति की दृष्टि से क्योंकि यहाँ पे क्या बोला कि प्रतिबुद्ध दृष्टा पहले क्या बोला जागृत दृष्टि से प्रतिबुद्ध दृष्टि मतलब जिस समय आप जगे हुए हैं उस समय विशेष अभिमान विषयतेन विशेष अभिमान के विषय बन जाने के कारण प्राण और तत्संबंधित शरीर विशेष अभिमान के विषय बन जाने के कारण वो व्यक्तित्व होने पर भी परंतु सुषुप्त दृष्टा जब सुषुप्ति के दृष्टि से आप देखोगे सोए हुए की दृष्टि से देखोगे तब उपसंहार तब उपसंहार मतलब विशेष अभिमान उपसंहार तब से क्या लेंगे तब से विशेष अभिमान उपसंहारा
और जो विशेष अभिमान होगा ना उपसंहारक अव्यक्तत्व प्राणस्य प्राण के अव्यक्तत्व शब्द का कहा गया है ये अविरुद्ध में यहाँ पे कोई विरोध नहीं है इति भाव ये भाषा की पंक्ति का ये अभिप्रेत करता है विशेष अभिमान निरोधे प्राणस्य अव्यक्तत्व को दृष्टम विशेष अभिमान होने पर प्राण अव्यक्त अवस्था में आ जाए कहीं दिखाई दिया आपको कोई दृष्टांत है आपके पास विशेष अभिमान निरोधे प्राणस्य अव्यक्तत्व प्राण अव्यक्त धर्म में प्राप्त करते को दृष्टम कहाँ दिखाई दिया यदि आशंका देखिए मैं इसलिए बार बार बोल रहा था जीवन मुक्ति मतलब जीवन मृत दृष्टांत वहां पे लाया तब देखिए क्या होता है जथा प्राण लये परिच्छिन्न अभिमानिना प्राण अव्यक्तः केवल इतना ही केवल समझ लीजिए कौमा कर दीजिए वहां पे अभी तक मतलब जब तक हमारा जीवित है मैं चल रहा हूँ ना मैं मनुष्य हूँ मैं पुरुष हूँ मैं जता तो खूब अभिमान करते हैं जैसे गतवती वायु देह पाए भार्य अभिवती तस्वीर का प्राण लय जैसे ही शरीर से प्राण लय निकला प्राण लय परिच्छिन्न अभिमानिना परिच्छिन्न अभिमान करने वाला व्यक्ति क्या होता है प्राण अव्यक्त आप देखिए जिस समय एक सूक्ष्म शरीर इस शरीर से दूसरे शरीर में जाता है उस समय क्या होता है प्राण किस अवस्था में रहता है प्राण रहता है दृष्टांत तो कैसे आपको समझा रहे हैं एक व्यक्ति का शरीर छूट रहा है शरीर छूट रहा है तो प्राण स्थूल शरीर को छोड़ करके अगला शरीर में जाएगा जैसे प्राण निकले उस समय प्राण किस अवस्था में रहेगा प्राण की क्रिया तो दिखाई नहीं देगा आपको अव्यक्त अवस्था में आ जाएगा ये पूछा उनसे ये पूछा आपको कहाँ दिखाई दिया प्राण अव्यक्त होने में कोई दृष्टांत तो कहाँ है हमारे पास जब शरीर अंतर को प्राप्त करते हैं प्राण लय इसीलिए हमारे दिमाग में ही बैठा है यानी कि तुमको जीवित अवस्था में मृत अवस्था में आ जाओ तब तुमको समझ में आ जाएगा प्राण की अव्यक्तित्व क्या है अब देखिए पूछा उनसे आपको कहीं दृष्टांत तो दिखाई दिया प्राण की अव्यक्तित्व दृष्टांत तो कहीं दिखाई दिया आपको तब कहां दिखाई दिया कहां दिखाई दिया जब शरीर अंतर में जाता है प्राण किस अवस्था में जाता है व्यक्तित्व तो अवस्था में जाता है कि अव्यक्तित्व तो अवस्था में जाता है अव्यक्तित्व अवस्था में जाता है वो किस क्या स्थिति है जब एक शरीर को छोड़ देते हैं मतलब तो आप शरीर से अभिमान तादात्म्य छोड़ दो जीते जी प्राण की अव्यक्तित्व तो समझ में आ जाए और ये जो है प्राण उस समय चलेगा प्राण नहीं चलेगा तो अभी तो कुछ नहीं समझ में आएगा ध्यान देना ईश्वर की देन है कृपा है आपको समझाने के लिए आपको प्राण अब चलता रहेगा समझ जाने के बाद वो अभिमान चला जाएगा प्राण तभी भी चलता रहेगा समझ में नहीं आएगा तेज अपित प्राण तेजस्वी तेज परशुराम देव बताया सूक्ष्म शरीर को अभिमान तेज सत्व था वो तेज सत्व चला जाएगा तेज सत्व आकर के क्या जीव मिलाए प्राप्त करेगा अब इस पूरा स्थिति को समझने का कोशिश करना है नहीं तो दृष्टांत तो कुछ अभाव है कि विशेष अभिमान निरोधे प्राणस्य अव्यक्तत्वं को दृष्टम प्राण अव्यक्त तो कहाँ पे दिखाई दिया आपको इति आशंका उत्तर दे रहे जथा प्राण लये परिच्छिन्न अभिमान अभी तक हम परिच्छिन्न अभिमान कर रहे थे अब तो गया शरीर तो क्या करेगा प्राण अव्यक्त प्राणस्य में किस अवस्था में रहता है प्राण नाश नहीं हुआ प्राण तो फंक्शनिंग बंद कर दिया अव्यक्त अवस्था में आ गया इसलिए जीते जी इस अव्यक्त अवस्था में हमको आना तब जाकर के प्रारब्ध क्या कर रहे नहीं कर रहे प्रारब्ध का दृष्ट बनी अपने से जो है इस चीज को कभी भी इसको बैठ करके एक बार निश्चित रूप से सोचना है कि ये हमारी पारमार्थिक स्थिति तथा प्राण अभिमान ठीक भाष्य में आ जाए भाष्य में है ना वहां पर कमा कर दिया उसी प्रकार से जैसे देखिए ये हो गया आपका मृत्यु का दृष्टांत दिया जैसा मृत्यु में होता है वैसा ही जागृत में होना चाहिए तब समझ में आएगा तुम्हारा तथा प्राण अभिमानिनो अपि उस प्रकार प्राण में अभिमान रखने वाले व्यक्ति भी अपि अविशेषता आपत्तो वो भी सारा समस्त विशेष अपने को उठा लेने के कारण अविशेषता आपत्तो अविशेषता के प्राप्त होने पर अव्यक्तता समाना अव्यक्तता दोनों में समान हो जाता है ये देखिए जैसा मृत्यु का दृष्टांत तो दे करके जीवन मुक्ति स्थिति को कैसा बोला कि अव्यक्त अवस्था में जैसा रहता है उसी प्रकार रहना यहाँ पे जैसे यथा प्राण लय परिच्छिन्न अभिमानी नाम प्राण अव्यक्त तथा
प्राण अभिमानी न होती, इस जिस समय जीते जी जब प्राण अभिमान रहता है उस अवस्था में भी अविशेष अभी अभी अविशेषता आपका तो अब वहां पे सारा विशेषता छूट गया आपका, ठीक है ना। अभी अविशेषता पत्तो अविशेषता भाव को प्राप्त कर जाने के कारण उस समय में मनुष्य तक भाव भी चला जाएगा। एक विशेषता है आत्मा के ऊपर और उसके ऊपर एक मंजिल दो मंजिल तीन मंजिल हम खड़ा करने जाते खड़ा कर देते हैं। सारा अविशेषता जब प्राप्त होता है तब क्या हो जाएगा, अव्यकृतता समान है ना, ये मतलब अव्यक्त ईश्वर के साथ जो इस जीवित अवस्था में शरीर का एक हो जाता है, लक्षण एक हो जाता है, अव्यकृतता समान। ये फर्स्ट हो गया प्राण की अव्यकृतता को समान है ना, कैसे प्राण को अव्यक्त शब्द कह करके इसके ऊपर क्यों विचार कर रहे हैं अधिक, इसके ऊपर जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जीवन मुक्ति के आनंद लेने के लिए आपको इस अवस्था में आना पड़ेगा जीते जी। सेकेंडली एक हेतु और दे रहा है, आप देखिए टीका का क्या बोलते हैं, टीका में जथा करके हमने पढ़ लिया था टीका में स्पन्न में लास्टली परिच्छिन्न अभिमानिना प्राणो लयमतम मरणम, ठीक है, परिच्छिन्न अभिमानिना प्राणो लय मतलब ये जो प्राणायाम करके प्राण लय किया ये बात नहीं है, दृष्टांत दे रहे हैं ना, मृत्यु को दृष्टांत बनाया, इसीलिए जीवन मुक्ति के लिए दृष्टांत देखना है तो सुषुप्ति अथवा मृत अवस्था में देखो क्या रहते हैं, जीते जी ऐसा अवस्था में आना पड़ेगा। इसीलिए परिच्छिन्न अभिमानिना प्राण लय मरणम तत्र अभिमान निरोधे है ना, उस जो है मतलब उसमें परिच्छिन्नता में अभिमान जो निरोध होने परिच्छिन्न अभिमानिना मतलब परिच्छिन्नता में अभिमान का निरोध हो जाने पर प्राण नाम रूपाभ्याम प्राण जो है नाम रूप में अव्यकृत प्राण क्या हो जाता है, प्राण नाम भी नहीं रहता है उसके व्यक्त आपको क्रिया भी नहीं दिखाई पड़ेगा। मरण के समय जब प्राण एक शरीर से दूसरा शरीर में जाता है उस समय किस स्थिति में जाता है बोलो, अव्यकृत अवस्था में आता है, क्यों विशेष अभिमान छूट गया उनका, ये दृष्टांत स्थान दिखा रहा है यहाँ पे। इसीलिए क्या कहते हैं परिच्छिन्न अभिमानिना प्राण लयो मरणम तत्र अभिमान निरोधे, परिच्छिन्न में तत्र से कह लेंगे परिच्छिन्नता, परिच्छिन्नता में अभिमान निरोध हो जाने पर प्राणो प्राण क्या होता है नाम रूपाभ्याम अव्यकृत प्राण उस समय ना प्राण नाम में बोला जा सकता है ना प्राण को क्रिया दिखाई पड़ता है, प्राण नहीं है ये आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे नया शरीर प्राप्त करेगा प्राण फंक्शन शुरू करेगा, यानी कुछ समय एक शरीर से दूसरे जाकर प्राण किस अवस्था में रहता है, हाँ स्थान है अव्यकृत यथा इष्यत है जैसे सभी का अभिष्ट है तथा उसी प्रकार से प्राण अभिमानिन अपि प्राण में अभिमान रखने वाला व्यक्ति भी अज्ञान अवस्था में परिच्छिन्न में अभिमान रखने वाला व्यक्ति भी तद अभिमान निरोधेन अपरिच्छिन्नता में अभिमान का निरोध कर देने पर अविशेष आपत्तो सुषुप्ति सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है सामान्य अवस्था में आ जाता है। सुषुप्ति है हमारा दृष्टांत, सुषुप्ति हमारे लिए दृष्टांत है और मरण को द्वारा उसको पुष्ट कर दिया कि प्राण अव्यक्त अवस्था क्या होती है। इसलिए जीवन मुक्ति मतलब जीवन मृत्यु मरा नहीं परंतु मर मुर्दा जैसा रहना। हमारे एक स्वामी जी थे भरत सबसे जो सेकेंड गुरु महाराज के बाद जो प्रेसिडेंट बने आके गुरु महाराज जी को उनको बोला था जीते जी अगर मुर्दा के जैसा रह सकते तब जीने के आनंद भी रहेगा और आश्रम भी बना रहेगा, आश्रम टिका रहेगा, अभिमान दिखाओ आश्रम टुकड़ा टुकड़ा होता है। उनको भर बोलो उनके 50 ईयर्स भारत सरकार सुनने के प्रेसिडेंट है उनको सबको एक चीज नहीं बोला, एक महाराज को बोला कि रोज रोज निद्रा किस बात की, महीने में एक दिन सोना चाहिए तो हो जाता, एक एक को एक एक निर्देश दिया। हाँ वापस वो उनको उसको बस अब एक हम लोग को कैसे पता लगता है, एक दिन कभी मिले समझे बुढ़ापा में अवस्था के जिसमें चेयर में बैठे हुए थे उनका ऐसा सर हिल रहा है तब अपने भी सजाग हो गए, बोलते हैं कि एक समय था तो शरीर को मैं अपने इच्छा से चलाता था परंतु अब शरीर मुझे चला रहा है। तब पूछे क्या बात है सामने, तब गुरु जी ने मेरे को एक दिन कहा, सभी को नहीं कहा गलत होगा, रोज कुछ निद्रा किस बात की, गुरु जी ने 6 साल तक नहीं सोया था तो बोलते हैं कि एक महीना में एक दिन सोने से तो काम हो जाता है, तो रात को जो है दौड़ करके तैर करके नाम जप करके ध्यान करके उठ डन बैठक लगा करके निद्रा को प्राप्त किया, फिर जो है शरीर करता नहीं तो अब शरीर को गर्तन कर दिया कुछ हाई प्रेशर हो गया था शरीर, तो जैसे भी है मतलब शरीर भाव से लोगों पर अभिमानी रहित हो जाता है,
प्राण अभिमानी नीतर अभिमान निरोधन, प्राण का अभिमान करने वाले व्यक्ति भी जब वहां से अपना निरोध कर ले तो अभिमान से अपना हटा ले गया और विशेष आपत्ति सुषुप्ति हो, जो अविशेष भाव को प्राप्त करते वही सुषुप्ति अवस्था है, कोई जीवन नहीं। तीन नंबर टिप्पणी, अविशेष आपत्ति मतलब सत अभेद आपत्ति, उस समय आप सत के साथ एक हो जाएंगे, सत के साथ अभिन्नता को प्राप्त, केवल अस्तित्व मात्र रहेगा, सत के मतलब केवल अस्तित्व मात्र रहेगा, कोई विशेषता नहीं रहेगा अस्तित्व, ये स्थिति होगी उस समय, ये जीवन स्थिति, उस सत अभेद, सत अभेद आपत्ति सत के साथ अभिन्नता को प्राप्त कर देगा। अस्तित्व का भान रहता है, अस्तित्व का भान तो रहता है, भान मतलब स्फुरन होते हैं, विषय रूप नहीं होता, विषय रूप नहीं होता, स्फुरन होता है, और वो जो अपनी व्यापक अस्तित्व का स्फुरन ही आनंददायक है, वो आनंद है व्यापक अस्तित्व स्फुरन ही आनंद, इसलिए उस सच का आनंद कोई भिन्न वस्तु नहीं है, वो आनंद रूप में स्फुरित होता है, अपनी अस्तित्व का स्फुरन मतलब चीज अपनी अस्तित्व व्यापकता के कारण आनंद को जो भी भूमा तक सुख, इसलिए अपनी व्यापक अस्तित्व ही आनंद रूप में स्फुरित होता है और सदा रहता है, क्योंकि व्यापकता तो कहीं गया नहीं, परिचय तो अभिमान छोड़ने से व्यापकता कहीं नहीं जाता, व्यवहार काल में थोड़ा बहुत हो जाता है, फिर भी जो आदमी में उसका निश्चय रहता है, यह अद्भुत स्थिति है, ये मंडल को अकेला ही पर्याप्त है इस चीज को समझने के लिए, धीरे धीरे सोचिए आप इसको कितना कठिन है, ये लोग अभिव्यक्त हमारे लिए क्यों टीका टिप्पणी भाष्यकार इतना बोल रहे हैं, इसी समय भाष्यकार पहली प्रतिज्ञा किया कि यही बैठ करके आपको सुषुप्ति का अनुभव होगा, इसलिए बोलते हैं तत्व ये सुषुप्ति तत्व अव्यक्तता प्राणस्य प्रागुक्त दृष्टान्त, इस प्रकार से ये असुषुप्ति अवस्था में प्राण की जो अव्यक्तता है प्रागुक्त दृष्टान्त मृत्यु संकट दृष्टान्त के द्वारा अविशिष्ट अधिष्ठान अदृष्टता से समान है, अविशिष्ट है संविशेषता नहीं है, ठीक है, ततो विशेष अभिमान निरोधे प्राणस्य अव्यक्तत्वं प्रसिद्धमिति अर्थ, यहाँ पे इसको प्रसंग करो, यदि आप अपनी विशेषता से अपने अभिमान को हटा ले पाते हो तब क्या हो जाएगा, आप भी प्राण की जो अव्यक्तता मन अभिमान रहित तो उस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया प्राण को अव्यक्त कैसे कहा, इसका फर्स्ट रीजनिंग, सेकेंड और भी रीजनिंग, किंच यथा अधिदैविकम अव्यक्तम जगत प्रसव बीजम, जैसे है ना अधिदैविक जो आपका मतलब अव्यक्त अवस्था, अधिदैविक जो अव्यक्त अवस्था उसको क्या बोलते हैं, ईश्वर, अव्यक्त कहित चेतन माया और कहित चेतन अधिदैविक, वो क्या होता है जगत प्रसव के लिए कारण है, जगत सृष्टि हेतु हेतु है, इसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में सारा बीज यहाँ पे रहता है, वो जागृत स्वप्न के लिए हेतु सृष्टि के लिए, इसीलिए प्राण की अव्यक्तता जो कहा भगवान भाष्यकर ने वो कोई गलत नहीं कहा, कितना श्रुति वाक्य को दिमाग में रख करके विचार करने से इसका तात्पर्य किसमें तो समझ में आता है ना, ये जो है इतना गहराई से चिंतन करने का तात्पर्य किसमें है तब यहाँ पे भाष्यकर ऐसे लिख रहे हैं कि यहाँ पे किंच और भी देखिए, फर्स्ट पार्ट हो गया कि प्राण का अव्यक्त क्यों कहा, अनदर रीजनिंग, ठीक है 34 पेज में फर्स्ट लाइन, यहाँ पे तत्व विशेष अभिमान विरोधे, विशेष अभिमान विरोध हो जाने पर प्राणस अव्यक्तम प्रसिद्ध, यहाँ तक हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट बोलते हैं यहाँ पे कोमा कर देना कि अविशेष आपत्त अव्यक्तता समाना, वहाँ पे समीकरण भी कर सकते हैं आप भाष्य में, फर्स्ट लाइन 34 पेज में फर्स्ट लाइन पे एक पार्ट हो गया, अच्छा और फिर बोलते हैं और फिर बोल रहे हैं कि आगे किंच जथा अधिदैविकम अव्यक्तम जगत प्रसव बीजम, जिस प्रकार अधिदैविक है ना जो अव्यक्त है, अधिदैविक जो अव्यक्त है वो जगत का प्रसव के लिए हेतु बीज है, इसी प्रकार हमारी ये जो सुषुप्तिगत जो प्राण प्राग्ध वो भी जो है जागृत स्वप्न के लिए बीज है, बीज है, इस कारण से भी प्राण का अव्यक्त कहना अयुक्तिक नहीं है, उसको बोलते हैं वो आपको कैसे पता लगा कि आधिदैविक जगत में वो बीज अवस्था है, आधिदैविक जो हमारा जो है अव्यक्त अवस्था वो जगत की बीज अवस्था है वो कैसे पता लगा, वो तो श्रुति वाक्य से पता लगा, वो बोलते हैं तद्ध इदम तई अव्यक्तम आसीत तन्नाम रूपाभ्यामेव व्यक्रियत इति श्रुते है, वृदारण्यक 147 147 147 हां
तद्ध इदं तरि अव्यक्तम आसीत् तन्नाम रूपाभ्यामेव व्यक्रियत इति श्रुतेः। ठीक है ना, ये जो सब अव्यक्तित अवस्था, अधिदैविक अव्यक्तता, ये आध्यात्मिक अव्यक्तता प्राण में दिखाया, और अधिदैविक अव्यक्तता ईश्वर में है ना, ईश्वर प्राज्ञ और ईश्वर। तो यहाँ पे क्या प्राज्ञ अभी बोलते हैं तद्ध इदं तरि अव्यक्तम आसीत्, वो जो निश्चित ये सारा जो इदम रूप में दिखाई दे रहा है, पहले क्या था कि विशेष से रहित अवस्था में था। जिस प्रकार घड़ा के अंदर मृत्तिका, सॉरी मृत्तिका के अंदर मृत्तिका के सारा विकार विद्यमान रहता है, जब तक वो उस नाम रूप में अभिव्यक्त नहीं था उसी रूप में रहता है। इदम तरिता था इदम, इदम इस समय घड़ा रूप में दिखाई पड़ रहा है, इदम अयम घटो, अयम घटो पतो, उसका अयम घट रूप में से पहले कहाँ विद्यमान था, वो मृत्तिका उस कारण में विद्यमान है। किस रूप में है, कारण रूप में, अव्यक्त रूप में, कारण में कार्य कारण रूप में विद्यमान है, वेदांत के सिद्धांत अव्यक्त रूप में विद्यमान है। तथा इदं तरि अव्यक्तम आसीत्, वो पहले अव्यक्त रूप में था, तन नाम रूपाभ्याम एव व्यक्रियत, ओके फिर क्या होता, और नाम और रूप के माध्यम से अपने को अभिव्यक्त किया इति श्रुते है, श्रुति होने के कारण। जैसा ये जो है आदिदैविक आदि अव्यक्तता, उसी प्रकार आध्यात्मिक अव्यक्तता भी ऐसे, तथा प्राणक्खम सुषुप्तम, ठीक है ना, प्राणक्खम सुषुप्तम क्यों बोल रहे हैं, केवल मात्र प्राण जिस समय व्यापार करता रहा कुछ नहीं, जिसको प्राण शब्द जिसमें केवल मात्र प्राण ही देखा जाता है, जिस प्रकार बोलता है मनोलिंग, मतलब मन प्रधान, मन प्रधान लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर जिसको बोलते हैं, इसी प्रकार प्राण प्रधान जो शरीर है, अज्ञान शरीर कारण शरीर, प्राण प्रधान कारण शरीर, ठीक है, जागृत में स्थूल प्रधान कारण शरीर, इंद्रिय प्रधान कारण, इंद्रिय प्रधान स्थूल शरीर, और सुषुप्ति काल में मन प्रधान सूक्ष्म शरीर, स्वप्न काल में, और सुषुप्ति काल में क्या होता है, प्राण प्रधान अज्ञान कारण शरीर, ठीक है ना, प्राण प्रधान कारण शरीर। थोड़ा सा दिमाग में एक शब्द बैठ जाए तो आपको समझ में आ जाता था, प्राणक्खम सुषुप्त, प्राण नामक सुषुप्त जागृत स्वप्नयोर बीजम भवती, भी भवती बीजम है ना, बीजम भवती, तथा उसी प्रकार से टीका में सेकंड लाइन पे राइट हैंड का, तथा प्राणक्खम सुषुप्तम तीन नंबर टिप्पणी में, तद इदम अपि इतरे नाम रूपाभ्यामेव व्यक्रियते इति श्रुते है, इदम करके दिखा दे, उसी का ही आगे है ये, उसी का ही आगे है ये सुषुप्तम को बोल करके, तब इदम अपि इतरे ये इस समय भी और नाम रूप के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, उसी का आगे भाग है उसी टीका में, जागृत स्वप्नयो ये प्राणक्खम सुषुप्तम जागृत स्वप्न और बीजम भवति, प्राण नामक जो सुषुप्ति है जिसमें प्राण प्रधान कारण शरीर सुषुप्ति और जागृत के लिए बीज होता है, जिस प्रकार आदिदैविक कारण शरीर सृष्टि का बीज होता है, हिरण्यगर्भ पर विराट का बीज है, आदिदैविक कारण शरीर मतलब ईश्वर अथवा अव्यक्त हिरण्यगर्भ और विराट का बीज है, इसी प्रकार जो है व्यष्टि उपहित चेतन जो प्राग मतलब सुषुप्ति या प्राण, वो क्या होता है जागृत और स्वप्न मतलब तेजस विश्व का बीज है, ये अभिप्राय है यहाँ पे, इसलिए बोलते हैं कि बीजम, तथा च कार्यम प्रति प्रसव बीज रूपतम अविशिष्ट उभयोर इति लक्षण अविशेष, पहले भगवान बच्चे का क्या बोले थे वहां पे, लक्षण अविशेष, दो वस्तु की यदि लक्षण एक है तो दोनों वस्तु अभिन्न होते हैं, ये बोला ना, एक लक्षण अव्यक्त प्राण योर 33 पेज में टीका में देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में नीचे से थर्ड पंक्ति फर्स्ट पैड, एक लक्षण अव्यक्त प्राण और एकत्व उपपत्ति इति युक्त, ठीक है ना, तो एक लक्षण पहला क्या लक्षण दिखा है, अव्यक्त का लक्षण, अव्यक्त मतलब क्या है, नाम रूप से अभिव्यक्त अभिमान रहित, अब क्या बोलते हैं कि ये जो दोनों के लक्षण क्या है, जिस प्रकार आदिदैविक जो अव्यक्तित्व है वो क्या होता है, हिरण्यगर्भ और विराट के लिए बीज अवस्था है, आदिदैविक जो अव्यक्तित्व का मतलब ईश्वर, जब सृष्टि का प्रलय होगा तो विराट हिरण्यगर्भ में लय प्राप्त करेगा, विराट हिरण्यगर्भ में लय प्राप्त करेगा, हिरण्यगर्भ फिर ईश्वर में अव्यक्तित्व में ईश्वर में लय प्राप्त करेगा, हिरण्यगर्भ का मतलब ही होता है सोने का अंडा, हिरण्यगर्भ मतलब सोने का अंडा मतलब समस्त सूक्ष्म शरीर बोलते हैं ना उसको, वो और उसका बीज अवस्था में आ जाता है, और ये क्या होता है सोने का अंडा नहीं, जिसके गर्भ में सोना भरा हुआ है, जिसके गर्भ में सोना भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा प्राणक्ष सुषुप्ति है,
मतलब अज्ञान उपहित कारण शरीर के अभिमित अभिन्न जो चेतन है वो क्या, उससे क्या होता है कि तेजस और मतलब विश्व का अभिव्यक्त होते हैं, उसका बीज है। इसलिए ये लक्षण समान हो गया, इस समान लक्षण के कारण दोनों एक ही है, अभिन्न है, ये हम बोलते हैं। तथा प्राणक तथा च कार्य प्रति, अपने कार्य के प्रति प्रसव बीज रूपत्व अविशिष्टम, प्रसव बीज मतलब अपने कार्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य, ये दोनों में समान है, प्राण में और अधिदेविक अविशिष्ट उभय रीति दोनों में एक ही होने के कारण लक्षण अविशेषात, वो जो लक्षण की विशेषता नहीं होने के कारण लक्षण दोनों में एक ही है। अव्यक्त प्राण एकत्वस्य प्रसिद्ध, इसलिए अव्यक्त और प्राण में जो अभिन्नता वो प्रसिद्ध है। इति आह इसी को मन में रखते हुए भगवान भाष्यकार बोले, अब भाष्य में आ जाइए। मतलब ईश्वर और प्राण की एकता बोल रहे हैं, ईश्वर और प्राण मतलब इसके देखिए, ईश्वर मतलब अव्यक्त चेतन, अव्यक्त चेतन, और यहाँ भी केवल प्राण को नहीं बोल रहे हैं, प्राण अभिमानी चेतन, प्राणाक्षम सुषुप्तम बोल रहे हैं, सृष्टि करने का बीज, प्रसव बीजात्मक, प्रसव मतलब पैदा करना, पैदा करने के लिए जो बीज होता है, पैदा करने के लिए जो बीज होता है उसके धर्म दोनों में समान है। पैदा करने के लिए बीजत्व धर्म, पैदा के प्रसव बीजात्मकत्वम, प्रसव उत्पत्ति, उत्पत्ति करने के लिए जो बीजात्मक धर्म है वो दोनों में समान है। चाहे तब अध्यक्षस्य एक अव्यक्त अवस्था है ना, कि इसे प्रसव बीजात्मकम चाहे यहाँ तक एक, वो प्रसव बीजात्मकत्वम ये एक है, और बाकी अध्यक्ष तक बाद में ले आएंगे। देखिए क्या बोलते हैं आगे, ठीक है, दूसरा देखिए, और फिर इसमें आ जाइए। समानम इति अनुकर्षणार्थम चकार, ये जो चकार दिया ना यहाँ पे, ये जैसे आपत्ति अव्यक्त तथा समानम, इसलिए प्रसव बीजात्मकत्वम समानम भी हम समानम यहाँ पे लाना पड़ेगा, वहाँ पे समाना क्योंकि अव्यक्तता श्रीलिंग है, अब ता प्रत्यय जहाँ पे लगता है वो श्रीलिंग होता है, दरिद्रता और त्व प्रत्यय लगता है, त्व प्रत्यय लगता है न्यूट्रल जेंडर में होता है, दोनों भाव अर्थ तस्व भावे तथा लोग दोनों भाव अर्थ उस धर्म को समझाने के लिए, त्व प्रत्यय जहाँ पे लगेगा वहाँ बोलेगा न्यूट्रल जेंडर, जब ता प्रत्यय लगेगा वहाँ बोलेगा स्त्रीलिंग, इसलिए अव्यक्तता समान और अव्यक्तत्वम बीजात्मकत्वम समानम, ठीक है ना, समानता और समानत्वम ये जो है ये यहाँ पे बोलते हैं समानम इति अनुकर्ष, उसको उसको वहाँ पे भी दोबारा लगाने के लिए चकार दिया, वहाँ पे समाना है, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, बीजात्मकत्वम समानम, इसे बोलते हैं समानम इति अनुकर्षणार्थम, इसको दोबारा लगाने के लिए हमें चकार दिया हुआ है, कहाँ चकार है, प्रसव बीजात्मकत्वम च, तो चकार का ये अर्थ है। उपाधि स्वभाव आलोचनाया सुषुप्त अव्यक्तयोः अभेदम अभिधाय, दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, सुषुप्त उपाधि स्वभाव, उपाधि के सब एक हो गया, उपाधि एक हो गया उपहित, एक हो गया उपाधि और एक हो गया उपहित, ठीक है ना, उपाधि के स्वभाव को आलोचना करके दोनों के लक्षण एक ही दिखाई दिया, उपाधि हो गया प्राण, सुषुप्त अव्यक्तयो अभेदम अभिधाय, सुषुप्ति और अव्यक्त इन दोनों अभिन्न है, इसको कथन करके आप क्या बोलते हैं, उपहित स्वभाव आलोचनाया, उपाधि के साथ दिखाई दे रहा है जो तत्व वो हो गया उपहित, उपाधि के साथ समझ में आ रहा है जो तत्व, एक हो गया उपाधि और एक हो गया उपहित, उपाधि के साथ जो दिखाई दे रहा है वो हो गया उपहित, समझ में आया, ठीक है। तो उपहित स्वभाव आलोचनाया अभी, उपहित का स्वभाव को आलोचना करने पर भी तयोर अभेदम आहो, उन दोनों की अभिन्नता दिखाई पड़ते हैं। तद अध्यक्षस्य एको अव्यक्त अवस्था, दोनों की अधिष्ठान एक, दोनों की अध्यक्षता
दोनों की एक है। ऐसा बोल सकते हैं कि जो समष्टि प्राण ने बीज को अव्याकृत मतलब समष्टि प्राण होगा, समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ हो जाएगा, वहां पे नहीं रुकना, उसके पीछे समष्टि सृष्टि के बीज, समष्टि के सृष्टि के बीच जो अधिष्ठान है, समस्त सृष्टि के जो अधिष्ठान है, वही अधिष्ठान यहाँ भी बैठा हुआ है। माया उपहित चेतन, हाँ ये माया उपहित चेतन, और यहाँ पे जो अविद्या उपहित चेतन जिसको प्राण शब्द समय हो गया क्या करें, वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब इतना आपको अच्छा लगेगा कि देखिए कितना हमारे आचार्य लोग ने साधन के लिए वेदांतिक साधन क्या दिखाई आपको, विचार से कैसे आपको धीरे धीरे आपने स्वरूप की ओर, ठीक है पहले परोक्ष का अनुभव, वहां पे जाने की इच्छा तीव्र होता रहेगा, वहां पे जाने की इच्छा तीव्र होता रहेगा, ठीक है। अब आज फिर वहां पे पहला श्लोक बोला अंतिम में लास्ट पढ़ने में, अजम अपि यदि योगम प्रापदैश्वर्य योगात् अगति जगति मत्तां प्रापरेकं हि अनेकम् ओम।